If A gets 25% more than B and B gets 20% more than C, the share of C out of sum of 740 rupees will be. देखें, A जो है वो 25% more than B है और B के पास जो है 20% more than C है. Example देख लेते हैं, अगर B के पास 1 रुपए तो A के पास 1.25 रुपए होंगे क्योंकि 25% 25 पैसा बनता है. अगर C के पास 1 रुपए है तो B के पास 1.20 रुपीस होगा. एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा इजीली इक्वेशन ये बनेगी, A इज इक्वल टू 1.25 इनटू B. A के पास ज़्यादा है 25% B से, ठीक है. इसी तरह B इक्वल टू 1.20 इनटू C. दो इक्वेशंस बन गई, B की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है. हमें पता है कि 1.25 को हम 125 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं. इसी तरह 1.20 को हम 12 बाय 10 भी लिख सकते हैं. इससे हमारे पास A की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.5 इनटू C आ जाएगी. अब हमारे पास जो टोटल है वो है 740 रुपीस इक्वल A प्लस B प्लस C. हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, A इक्वल टू 1.5 C, B इक्वल टू 1.2 C और C का C नीचे आ जाएगा. 3.7 C इक्वल टू 740. अब यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 740 से. हमारे पास C इक्वल टू 7400 डिवाइड बाय 37 आ जाएगा. C हमारे पास 200 आ जाएगा. 200 हमारे पास आंसर है इसका.